बारूद की ये खुशबू कमाल की है। दुनिया की बेस्ट कंट्री होने का अपना ही मजा है। वाह, साथ ही मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के मामले में भी। ओ, ये क्यों? अरे ये क्या, सूरज पे पर्दा किसने डाल दिया? अरे अब ये क्या नई आफत आ गई? कम्युनिज्म फैलाना अलग मुद्दा है, लेकिन अब ये मेरी छुट्टियां बर्बाद कर रहा है। जरूरी लोगों को बोलो मीटिंग है, जल्दी जाओ। सोवियट्स की तो अब खैर नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन सोवियट्स ने मेरी छुट्टियों को बर्बाद कर दिया। सर आप थोड़े ठंडे दिमाग से। अबे चुप कर ज्ञानचंद, बताओ ये आसमान में क्या बला है? देखने में तो मुझे ये एक सैटेलाइट लग रही है सर। इसका काम क्या है? कहीं जासूसी तो नहीं? इसकी नजर किस पर है? कहीं मेरे ऊपर तो नहीं है? क्या हो रहा है? जासूसी की इस कला में तो हमें सबसे आगे होना चाहिए था। हम इनसे पीछे नहीं रह सकते हैं, तो अब क्या करें? क्यों ना हम अपनी खुद की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिश कर। ना मुन्ना ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें उन्हें अभी हराना होगा, वरना। उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। हम सोवियत्स में शामिल हो रहे हैं। आखिर वो लम्हा आ ही गया, अब आखिरकार दुनिया में शांति होगी। नहीं गधे कहीं के, हम सोवियट्स में अपना जासूस भेजकर उनकी सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। सर आसमान में उड़ रही उस सैटेलाइट से सभी बहुत डरे हुए हैं। हमें जनता को भरोसा देना होगा। ठीक है, तुम लोग जासूस तैयार करो, समय आ गया है। उसका कोड नेम शानदार होना चाहिए, समझे? और तुम उस जासूस पर नजर रखना। अमेरिका सर, दरअसल मैं कल तक चैनल से आया हूँ। क्या आप स्विमिंग करके आ रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आप सब डरे हुए हैं, लेकिन एक बात आप याद रखें, हम अमेरिकन्स को कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए हम ला रहे हैं हमारा नया स्पेस प्रोग्राम जिसका नाम है नासा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए हमने बजट बनाया है $25 बिलियन। क्या बात, $25 बिलियन, वो भी स्पेस के लिए? सर हमारी इस धरती की समस्या तो सुलझा ले, और हमारे सिविल राइट्स मूवमेंट का क्या होगा? हे आम इंसान, मैं तुम्हारे राइट्स पर तभी फोकस कर पाऊंगा जब मैं लेफ्ट से बदला ले लूंगा। ये उनका बात। तो कौन कौन मेरे साथ है? क्या उन्हें सच में लगता है कि वो हमें हरा पाएंगे? उनका पूरा ध्यान तो उनके सिविल राइट्स पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमें नहीं हरा सकते जब तक ये है। पेश है, हम कुछ बहुत ही अलग करने वाले हैं, कुछ बहुत ही शानदार। हम भेजेंगे एक जीवित प्राणी को, वो भी स्पेस में। लेकिन हम भेजेंगे क्या? ओ मेरा प्यारा बच्चा लाइका, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। खुश हो जाओ मेरे दोस्त, हम भेजेंगे लाइका को अंतरिक्ष में। क्या? थैंक यू सोल्जर। एक मिनट रुको, तुम्हें पहले कहीं देखा है? याद नहीं आ रहा, लेकिन देखा तो जरूर है। तुम उन अमरीकियों जैसे दिखते हो, लेकिन उनके जितने मोटे नहीं हो। चलो आज के लिए इतना ही। क्या हम सच में मेरे प्यारे डॉग को स्पेस में भेज रहे हैं? कितनी बार बोलूं? हाँ, वो तुम्हारा नहीं हमारा डॉग है। टेंशन में लग रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ। अब ये क्या है,
ये बस मेरा लकी चार्म है। ओह, इसे कभी खोना मत। मैं भी अपने लकी चार्म को साथ रखता हूँ। ठीक है, ये जानकर अच्छा लगा। चलिए मैं जाकर अमेरिकी जासूसों को ढूंढता हूँ, ये भी तो जरूरी काम है। क्या तुम लोगों का कोई लकी चार्म नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? इस काम में हफ्तों लगने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? बाहर जाकर देखना होगा। क्या वो एक स्पेस में एक डॉग? मिस्टर प्रेसिडेंट, स्पेस में डॉग भेज रहे हैं। अरे कुछ नया बताओ, दिख रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है? एक डॉग को एस्ट्रोनॉट बनाया गया, वैसे तो ये बात कमाल है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया मिस्टर जासूस? जल्दी करो। लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि ये सेफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारी आंखों के सामने उन्होंने स्पेस में एक डॉग भेज दिया और हम अपना पहला सैटेलाइट भी तैयार नहीं कर पाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, जरा इस पर एक नजर डालें। ये फिर से? हम कल ही इसे लॉन्च करेंगे, समझ गए तुम? एक रोबोट वाला हाथ बनाओ ताकि उन्हें स्पेस में मुक्का मार सको। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आप आज हमारे पहले सैटेलाइट को लॉन्च होते हुए देख सको। तो पेश है द एक्सप्लोरर 1। ये उन सोवियट्स की कल्पना से परे है और ये उनके सैटेलाइट से 100 गुना बेहतर भी है। मीडिया, अपने अपने कैमरास तैयार कर लो। अरे ये क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? जरा देखो तो, अमेरिका कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छी कोशिश थी, लेकिन अब समय आ गया है दिखाने का तुम्हें कि ये कैसे किया जाता है। एक डॉग एस्ट्रोनॉट से बेहतर क्या हो सकता है? दो डॉग एस्ट्रोनॉट्स, एक इंसान एस्ट्रोनॉट। तो आइए मिलते हैं यूरी से। हेलो। इतिहास के साक्षी होने के लिए तैयार हो जाओ, हम भेजने वाले हैं स्पेस में पहले इंसान को। एक मिनट, क्या कहा? नहीं। अब देखता हूँ तुम क्या करोगे अमेरिका। सर, आप ठीक है ना? देखिए, हम भी अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। अब और नहीं, उन सोवियट्स ने हमें शिकस्त दे दी। तो पापा, क्या हम जीत गए? क्या हमने उन सोवियट्स को हरा दिया? बताओ ना। नहीं बच्चे, अब खेल खत्म, हम सब मरने वाले हैं। मैं जो कर सकता था मैंने किया। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, हम सच में जीत गए। सच में? क्या तुम सबको लगा था कि हम हार गए? वो भी उन सोवियत से जिन्होंने अपने पहले रॉकेट को वोदका से उड़ाया था। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था ताकि उन्हें लगे कि हम कमजोर हैं। तो अब हम कुछ बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं। सोचो तो क्या? क्या? हम जा रहे हैं, वो टीवी सीरियल वाला म्यूजिक लगा दो, सामने देखो, वहाँ मून पर। क्या? लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? मेरे पास बहुत पैसे हैं। USA! 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 तुमने सुना सोवियट्स, हमसे जीतना इतना आसान नहीं है, तो जरा संभल कर।